Oh my God, so much pain. Please help me. David William, please, where are you? I am in Garha. नाम था उनका हो ची मिन। इन्होंने अमेरिका और रूस दोनों को हरा दिया। समझिए, वियतनाम जो था कोल्ड वार के समय, वियतनाम की स्थिति लोकेशन बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि जो भी यहां से आएगा दक्षिणी चीन सागर से या इस एरिया से, तो यहां वियतनाम का होकर ही जाना होगा उन्हें। तो अमेरिका चाहता था कि वियतनाम उसके फेवर में हो जाए, और रूस चाहता था कि वियतनाम उसके फेवर में हो जाए। शीत युद्ध की सारी लड़ाई गुटबंदी की थी। अब यहां पर वियतनाम को इन्होंने दो भाग में बांट दिया, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। अब बीच में 17 डिग्री रेखा खींच दिया, 17 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब अमेरिका चाहता था क्या चीज, कि वियतनाम पूरी मेरे फेवर में आ जाए, और रूस चाहता था मेरे फेवर में आए। आधी जनता चाहती थी रूस के फेवर में जाना, आधी चाहती थी अमेरिका। अब साउथ वियतनाम को हथियार अमेरिका दिया, कहा मारो उत्तरी वियतनाम को, तो उत्तरी वियतनाम को रूस हथियार दिया कि मारो दक्षिणी वियतनाम को। मार मार के धज्जी उड़ा दिया। लेकिन रूस डायरेक्ट अमेरिका को मारने आया? रूस मारता था इस पे भी आके बम गिराता था, और इनके लोगों को भी देता था मारो यहां अमेरिका वाले को भगाओ, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका को नहीं मारता। अमेरिका आता था तो इधर भी बम गिराता था, और यहां के लोगों को भी देता था मारो उसको, लेकिन डायरेक्ट यहां रूस को नहीं मारता। डायरेक्ट इसमें रूस उतरी थी नहीं आया था यहां पे। अमेरिका को लगा कि ये युद्ध जीत जाएगा, अमेरिका को लगा कि ये युद्ध जीत जाए। तब तक वहां एक नेता आया हो ची मिन, कहा कि मारो रूस को, मारो अमेरिका को, मारो चुट्टा दोनों को, भगा भगा यहां पे, हमारा वियतनाम, कोई 17 डिग्री रेखा नहीं रहेगी, हमारा वियतनाम रहेगा। अमेरिका का दिमाग ही हिल गया, ये क्या हो गया भाई, इस तरह उत्तरी वियतनाम का चीज गायब कर दिया। कहा कि हमारा होगा वियतनाम, किसी के फेवर में हम नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अमेरिका ने अकेले 27 करोड़ बम गिरा दिया वियतनाम पर, 27 करोड़ बम गिराया था अमेरिका ने वियतनाम पर। अत्याचार का हद पार कर दिया था, वियतनाम के जंगलों में छुप जाते थे लोग, तो जंगले में आग लगा दिया यहां पर वियतनाम में, इतना बुरा अत्याचार किया ये अमेरिका। 27 करोड़ बम गिराया अकेले कौन, अमेरिका। अभी रूस का तो हम बातें नहीं कर रहे, पुतिन छोड़ा होगा, उस समय पुतिन नहीं था, वियतनाम लड़ाई 56 में, 1956 की बात है ये, बहुत पहले, आप लोग नहीं होंगे तब। नहीं मतलब हम लोग जब हम लोग थे तो मतलब हम लोग भी तो 56 के नहीं, लेकिन जो हम लोग के टीचर थे वो वियतनाम युद्ध के समय के वो लाइव देखे थे, मतलब लाइव इन द सेंस जैसे अभी हम लोग यूक्रेन वार को कैसे देख रहे हैं, तो पल पल की अपडेट मिल रहा है वहां पे। तो जिसके समय जैसे हम लोग आने वाली पीढ़ी 50 साल बाद कोरोना को एक घटना की तौर पर पढ़ेगी, दो पेज का एसे लिखेगी, और हम लोग झेले हैं, सोचा गली मोहल्ला का हाल जानते हैं, जिस गली के सामने बांस बांध दिया है मतलब क्वारंटीन जोन है वो, पुलिस से पिटाए होंगे लोग। तो उस टाइप का जो जो उस चीज को समझा रहा था ना बहुत अच्छा से, तो हम लोग के कुछ टीचर थे जिनके सामने इस तरह युद्ध हो रहा है, जैसे हम लोग के समय यूक्रेन वाला हो रहा है ना। 27 करोड़ बम गिराया था अमेरिका ने। इस सब के बावजूद हो ची मिन ने आइडिया दिया कि सुरंग बनाओ, जमीन पे इनसे नहीं लड़ पाएंगे हम लोग, इतने हथियार इनसो के पास तगड़ा है, बुलेट प्रूफ है, सुरंग बनाओ। तो वियतनाम के लोगों ने सुरंग के अंदर शहर बसा दिया, पूरा सुरंग खोदा जहां तहां से। अब सुरंग में उसने आइडिया बनाया कि सुरंग में एक मेन रास्ता रखो जो थोड़ा सा गंदा गंदगी रहेगा, अच्छा एगो सुरंग भटकाने वाला, उसको साफ सुथरा रखो। तो कोई कोई सुरंग अमेरिका वाला पकड़ लेते थे सब ना, तो उसमें सुरंग में घुसते थे सब। अब अमेरिका वाला सीबीएसई वाला बिस्लरी का पानी पीने वाला वो सब अंदर घुसता था सब, तो वियतनाम वाला भाला लेके अंदर में रहता था, अचाक से मारता था, घोपा जाता था। अब लोग बंद हो गया पूरा यहां से, और उसका हथियार उतियार सब छीन लेता था सुरंग में, वो सब जहरीली गैस छोड़ देता था सब, बिना गोली चले ले अमेरिका वाला बेहोश, ऑक्सीजन की कमी से बेहोश। आई सबको आइडिया था, खोद खाद के आइडिया, धीरे धीरे पूरे वियतनाम में सुरंग का जाल बिछा दिया सब, वहां पे सारा का सारा व्यवस्था अंदर रखा। अमेरिका वाले पागल हो गए सब, और यहाँ वियतनाम के जंगल इतने ज्यादा थे कि हेलीकॉप्टर काम में नहीं आता था, जंगल के बीच में पेड़वा के नीचे रहेंगे तो हेलीकॉप्टर को कौन सी दिख रहा है, किधर है आप,
नहीं ना दिखेंगे, घना जंगल में, अब घना जंगल, अब पानी बाढ़ आ जाता था वियतनाम में इतना बर, अब बाढ़ में तो धीरे धीरे चलते थे, छपाक छपाक आवाज करेगा, वे जंगलवा में बंदूक लेके कहीं सुतल है, धड़धड़ा दिया उसी में अमेरिका के लोग मर गए, पता नहीं चल रहा गोली कहां से लग रहा। वियतनाम के लोग ने पानी पिला दिया था अमेरिका को, भागे थे लोग हेलीकॉप्टर से लटक लटक के अमेरिका वाले, अफगानिस्तान में जिस तरह से जहाज पे लटक के अफगानिस्तान के लोग भाग रहे थे ना, उस तरह अमेरिका के सैनिक भाग रहे थे वियतनाम से, मार के हरा दिया हो ची मिन ने। अब जंग क्या किए थे सर, जंगल में जगह जगह गड्ढा खोद दिए थे सब, 20 फीट गहरा, और उसमें भाला लगा दिया था सर खूब ज्यादा, और ऊपर बांस ओस से ढक देते थे सब, और पूरा घास ओस लगा देते थे सर। अब अमेरिका सैनिक दौड़ाते थे सर, घपाक से वो गिर गया, मुरब्बा बन गया छेदा के, अब वो मरेगा तुरंत तो नहीं, 2 घंटा लगेगा उसको मरने में। ओ माई गॉड, सो मच पेन, प्लीज हेल्प मी डेविड विलियम, प्लीज वेयर आर यू, आई एम इन गड़ाहा डिच, गड़ा कहते हैं, आई एम इन गड़ाहा ट्रेंच। अब बताइए एक गड़ाहा में गिर गया, बाकी सब डर गया सब, यार आगे गड़ाहा है, अब था अब पैर ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर डर डर के चल रहा है, तो स्पीड कम हो गया, एगो गढ़ा के वजह से स्पीड कम, जंगल के वजह से स्पीड कम, पानी लगल है उससे स्पीड कम, और क्या है सुरंग में गोली चला रहे हैं, दर 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 दर, पता चला सुरंग में से ढक्कन निकाला, मारा खत्म, कहानी कर दिया जा। तो पूरा सुरंग का जाल कहां बिछाया गया था, अमेरिका भागे थे वियतनाम से, ये हाल कर दिया था सब वियतनाम वाला यहां पर। और हम लोग, हम भारत में जब लोग थे तो हमारे में से आधा लोग अंग्रेजों का साथ दिए थे, 6000 फौज लेके इतने बड़े भारत पे कब्जा कर लिए थे, क्यों, हम लोग बटे थे, लोग ऊंचे जात नीचे जात, हिंदू मुसलमान, जिन्ना को पकड़ लिया एक ओर से इधर से, हमारे में भी अगर कोई इस टाइप का रहता होचिमिन टाइप का कि मारो रेड क्लिप लाइन नहीं रहेगी, हम सब रहेंगे, हमारा ही रहेगा, कोई म्यांमार अलग नहीं होगा, कोई पाकिस्तान अलग नहीं होगा, डुरंग लाइन हमने नहीं खींचा, पूरा अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक हमारा रहे, हम लोग में इस टाइप के नहीं, उसने ऐसा लड़वा ये दिया ना जिसका कोई हद नहीं, ऐसा इस टाइप का लड़वा दिया कि किसी को मतलब माइंडसेट चेंज कर दिया अंग्रेज वाला। रूस यहां से भाग गए, अमेरिका भाग, रूस पहले ही नहीं पकड़ लिया, भाग गया, भागो यहां से, 300 से लड़ना बड़ा मुश्किल है अमेरिका का, और हमको कौन हरा सकता है, जापान को मारे थे तो हवे नहीं लगा जापान को, ये कौन चीज होता है, वियतनाम मारा, वियतनाम पानी पिला दिया किसको, अमेरिका को। तो ये याद रखिएगा, आप पहाड़ पे जंगल में कभी नहीं जीत सकते, समझा गया, दलदल में मतलब बरसात में कभी नहीं जीत सकते, मानेकशॉ ने समझदारी किया था कि नहीं, हाँ। तो मिलिट्री में एक स्कूल होता है वार हिस्ट्री, जैसे हम लोग मुगल काल पढ़ते हैं ना, तो उसमें वार हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, कौन सी युद्ध किस कमियों से हारा गया था, उसमें ये भी एक चीज था कि अमेरिका बाढ़ में फंस गया था, समझा, सिकंदर की रथ बाढ़ में फंस गया, हाथी लेके आया था ससुरा सिकंदर, यहाँ बिछला बिछला हाथी गिर गए सब सिकंदर के, रथ उसका कीचड़ में फंस गया था। तो ये सब वार हिस्ट्री होते हैं, इतिहास से आप कुछ नहीं सीखिएगा तो इतिहास हो जाइएगा। आगे बढ़े तो वियतनाम, हो ची मिन ने पूरे वियतनाम को क्या कर दिया, यूनाइटेड कर दिया, इसीलिए भारत में सम्मान से जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंकल हो कहा था, समझा गया, वाला ना कि सुनियो हो, वाला हो नहीं, उनका नाम ही था, टाइटल था हो ची मिन, तो हो से अंकल हो, तो भारत में अंकल हो किसे कहा जाता है, हो ची मिन को, अंकल हो ची मिन को, समझे क्या, चाचा हो, अरे जवाहरलाल नेहरू को गदा कह के उसी को हिंदी में कहेंगे अंकल हो, अंकल को चाचा हो, चाचा हो ची मिन, अंकल हो ची मिन, चाचा नेहरू कहते, समझा गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े, हमारा चाचा तो आजकल जेल में जा रहा है, आगे बढ़े, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो दे सकता है वियतनाम, भारत को वियतनाम से सामान खरीदना चाहिए, समझा गया, भारत को किससे सामान खरीदना चाहिए, वियतनाम से लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहां अभी इतना इस सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। आगे बढ़ जाए ना, अब यहां ध्यान से समझिएगा, चाइना का यहां पर एक द्वीप है हेनान द्वीप, देखिए आपको दिखता होगा, कौन द्वीप है, हेनान द्वीप, यहां चाइनी नौसेना का गढ़ बोला जाता है, हेनान द्वीप को क्या कहा जाता है, चाइनी नौसेना का गढ़, दिख रहा है,
झांक रहा होगा हेनान द्वीप, झांक रहा होगी नहीं, चाइनी नौसेना का गढ़ किसे कहा जाता है? हेनान द्वीप। अब भारत सरकार को चाहिए कि यहां से एक हम लोग हाईवे बनाए, लोग कहां से? मणिपुर के रास्ते से, मणिपुर, मणिपुर तक तो यहां जा सकते हैं, मणिपुर से होचिमिन हनोई तक, मणिपुर से कहां तक? हनोई तक। इससे फायदा क्या होगा? हाँ, हम लोग किसके पास तक पहुंच जाएंगे? चाइना के पास तक पहुंच जाएंगे, उस भी इसके नौसेना के पास तक, उसके नौसेना के पास। और एक सड़क यही म्यांमार मणिपुर से ले जाके सिंगापुर तक, कहां तक? सिंगापुर। इससे क्या फायदा होगा कि जो व्यापार हमें वियतनाम से पानी वाली जहाज से करना होता है, ट्रक के माध्यम से इजी होने लगेगा। और जिस एरिया से डेली 2000-4000 ट्रक गुजरेगी, वो एरिया पीछे रह जाएगा। हाँ, सबसे पहले तो वहां लाइन होटल खुलेगा, ढाबा, फिर हवा भरे, पंचर बनाने, मेंटेनेंस करने वाला खुलेगा, सब नहीं होगा। धीरे 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 ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। हम लोग पूर्वोत्तर भारत के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, जबकि उनके विकास की अपार संभावनाएं हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अपार संभावना है विकास का। हम सिंगापुर से सड़क नहीं बना सकते हैं, अब वियतनाम से बना देंगे, इससे ट्रेन को फायदा, पूर्वोत्तर का विकास होगा पहला। चाइना पे डिपेंडेंसी घटेगी, हम सामान कहां से खरीदेंगे? वियतनाम से। चाइनीज सामान हम क्यों खरीदते हैं? सस्ता पड़ता है, सेम रेट में वियतनाम में पड़ता है, सेम रेट में वियतनाम में पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले जितनी फैक्ट्रियां थी वियतनाम में ही थी, सब मारधार हुआ, आई सब हुआ तो भाग गए सब वहां से। कौन रहेगा? 27 करोड़ बम गिरेगा तो अब रहेंगे? आज जो किसान वियतनाम में ऐसा होता है, कोई खेत जोत रहा अचानक उधिया गया, बैल उल सहित बम फट गया, जहाज से अमरीका गिराया बम, कीचड़ में गिरा, फटा नहीं, अब उसका ट्रिगर रहा, आई हल जोत रहा है, भाई बैल चल रहे हैं सब, और पीछे से ही चल रहा है, अचानक उसका हल लग गया किसके? बम के, अचानक आदमी हल बैल सब उधिया गया, कहा हो गया? बम फट गया। समझ गया? 2010 में ब्रिटेन में शायद कॉमनवेल्थ हो रहा था ना, 10 या 12 14 में था, इंग्लैंड में स्टेडियम बन रहा था ना, तो वहां अचानक बम फट गया, पता चला कि हिटलर जो गिराया था ना, उसमें 2-4 गो अभी नीचे हुए दबे थे सब, फट गया। कभी कभी अपने यहां नहीं देखते, घायली निकलता है, तो दिएगा तो घायली, फाटल जूता, दारू का बोतल, तो जो जहां रहेगा वहीं से मिलेगा, यहां पे क्या निकलता है? बम। समझ गया? पाकिस्तान वाला रहता सर, तो काश हमारे यहां भी होता, बनाना नहीं पड़ता, खोद के निकाल देते। आगे बढ़े, आप बताओ मित्रों, यहां हाईवे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इन हाईवे को असम के गुवाहाटी और कलकत्ता से जोड़ देना चाहिए कि नहीं जोड़ देना चाहिए? बिल्कुल जोड़ देना चाहिए। और यहीं से ले जाके यहीं का सामान, सस्ता सामान इसके रास्ते नेपाल को भी पहुंचा देना चाहिए। लो भैया, नेपाल वेपाल सब लो, चाइना का व्यापार जाएगा अलग, पूर्वोत्तर का विकास होगा वो अलग, और चाइना पे सरदर्द बना रहेगा हमेशा के लिए। समझ आ गया कि नहीं? वियतनाम को कहो कि देखो भैया, हम तुम्हारे लिए यहाँ एक बंदरगाह बना दे रहे हैं, लो 100 करोड़ रुपया दे देते हैं, 1000 करोड़ दे देते हैं बंदरगाह बनाने के लिए, 1000-2000 करोड़ का बंदरगाह बना दीजिए। और बंदरगाह बनाने में झमेला है ये नहीं है, अडानी भाई है ये हमारे धाए धाए बंदरगाह बनाने में एक्सपर्ट, अडानी को दे दीजिए बंदरगाह बनाने के लिए, 1000 करोड़ रुपया वियतनाम लौटा नहीं पाएगा, 99 साल का लीज दे दीजिए, उसी में वो क्लॉज जोड़ दीजिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी इंडियन नेवी कैन ऑल्सो यूज दिस सी पोर्ट। हो गया, इमरजेंसी की स्थिति में इंडियन नेवी भी इसका क्या करेगी? यूज करेगी। हो गया, अब्बा आके बैठ गए यहाँ पे, नहीं जाऊंगा, बस उस श्रीलंका में ले आया था अपना जहाज, यहां ले आकर रख दीजिए यहां पे। समझे कि नहीं समझे? विदेश नीति में आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। आदर्शवादी व्यक्ति के लिए थोड़ा बहुत लाइफ में दिक्कत ही आता, सबको वो देखता है आदर्शवादी, अरे इसमें वियतनाम को भी दिक्कत हो जाएगा, चाइना उसको टॉर्चर करने लगेगा, हमारी चाइना से दुश्मनी हो जाएगी। यथार्थवादी व्यक्ति, करना है तो करना है, लेंगे तो ले लेंगे, खत्म कहानी हो गया।